हेलो नमस्कार दोस्तों, आप भी बज चुके हैं 10 और इस समय हम हमारे स्क्रीन में आ चुके हैं। आज है 5 जनवरी, मतलब 5 जनवरी है आज है। और हमारे ऑप्शन हेजिंग की, मतलब जो हमने 20 डेज के चैलेंज लिए थे, उसकी आज 5वां दिन है। और आज है सेंसेक्स की एक्सपायरी और आज भी हम करेंगे सेंसेक्स में ट्रेडिंग, तो हम करेंगे आज सेंसेक्स को हेज। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं आज की चार्ट क्या कह रहा है। अभी फिलहाल चार्ट में दिख रहा है कॉल साइड में काफ़ी ज़्यादा राइटिंग दिख रहा है और पुट साइड में भी काफ़ी अच्छा राइटिंग है। फिलहाल मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश हो रहा है, देख लेते हैं, हम चार्ट को भी देख लेते हैं। तो ये देख सकते हो अभी फिलहाल ऊपर ले जाने की कोशिश हो रही है। मन करते हैं अब कॉल साइड में एक स्ट्राइक लेंगे और देखते हैं हम क्या ले सकते हैं। ये 5:20 का जो स्ट्राइक है, जो 72,600 का है, इसे हम करेंगे बाय और 15 लॉट की करेंगे 150 क्वांटिटी में। तो पहले हम बाय कर लेते हैं, तो हो चुका है हमारे बाय। अब हम करेंगे 72,200 का जो स्ट्राइक है, इसे हम सेल करेंगे और सेल करेंगे 10 लॉट, मतलब 100 क्वांटिटी में हम सेल करेंगे। और इससे करते हैं हम, अब चलो सेल कर देते हैं। अब दूसरी साइड में हम पुट साइड में भी करेंगे, तो पुट साइड में भी हम बाय कर लेते हैं और पुट साइड में हम करेंगे 71,500 की जो स्ट्राइक चल रहा है, इसे हम बाई करेंगे। ये भी हम 15 लॉट में करेंगे 150 क्वांटिटी में, तो इसे भी हम कर लेते हैं बाई। और फिर जाते हैं हम हमारे स्ट्राइक में और 72,000 की जो फिलहाल चल रहा है, इसे हम बेचेंगे। और चलिए इसे 100 क्वांटिटी में हमको बेचना है, मतलब 10 लॉट में। और इसे हम थोड़ा सा 55 रुपया में इसमें टिगर लगा के रखे हैं। आप देखते हैं कब सेल होता है और हम पोजीशन देखते हैं क्या। तो इतने में हमारे एक सेल एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब इसे करेंगे हम, आप पोजीशन में जाते हैं, इसमें हम कर लाए, एक्चुअली इसमें हमें स्टॉप लॉस लगवाना होगा, स्टॉप लॉस। तो चलिए इसको अब स्टॉप लॉस लगवा देते हैं। स्टॉप लॉस लगवाते हैं पहले और इसे हम थोड़ा सा दूर करेंगे, 105 रुपया की करते हैं और इधर 104 रुपया देते हैं। ये सेफ्टी है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। और हम चाहते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो, इसलिए थोड़ा सा दूर का लिए हमने, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे होता है हमारे स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फिर से मार्केट आ जाती है, तो हम ये नहीं चाहते हैं। और सेंसेक्स में थोड़ा सा मैं बचता हूँ ट्रेडिंग करने में, क्योंकि सेंसेक्स काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और इसमें ज़्यादा रिस्क होती है। और हमेशा मैं देखता हूँ मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है और उस दिन मैं ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाता हूँ। और इसकी लॉट साइज़ भी काफ़ी छोटा है, इसलिए मैं थोड़ा बचता हूँ। लेकिन हमारे जो ट्रेडिंग की जो हेजिंग की जो सीरीज चल रहा है, इसमें हमारे करना ज़रूरी है, इसलिए हम सेंसेक्स को भी करेंगे हेज। तो बने रहे वीडियो में, आगे आगे आपको हम अपडेट करते रहेंगे। हमारा आप देख सकते हो मार्केट में थोड़ा सा नीचे आया, जिसके कारण जो हमने देखा 55 रुपया की जो पुट हमने जो एक स्ट्राइक है सेल करने के लिए रखे थे, शायद वो अपना हिट हो चुका है। आप देख सकते हो ऑर्डर में, फिलहाल ऑर्डर अभी रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं पहले। तो चलिए ट्रिगर हमारे एक्सेप्ट हो चुके हैं, अब ये हमारे पोजीशन में बता रहा है। आप देख सकते हो पोजीशन ये देखिए, इस ये अब हमारे 50-55 रुपये की जो कूटे हिट हो चुके हैं। अब इसका भी प्रीमियम थोड़ा सा नीचे जा रहा है और ये भी प्रॉफिट में है और ये 36 रुपये में, फिलहाल 2000 रुपये के आसपास हमारे प्रॉफिट दिख रहा है। और इस पुट को भी हम थोड़ा सा कर देते हैं, स्टॉप लॉस लगवा देते हैं। तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे हम, काफ़ी ज़्यादा लगाएंगे इसमें, क्योंकि एक पुट साइड में है, इसलिए इसमें हम 140 रुपये लगाएंगे और इसमें लगाते हैं 139 और इसे हम कर देते हैं। अगर कभी भी हमारे इस या पे अगर हिट होता है तो हमारे सेल आउट हो जाए, बुक हो जाए। तो चलिए वीडियो में बने रहे। और दोस्तों एक्चुअली इस समय हमारे आने के मेन रीज़न है हमारे जो 72,000 की जो पुट थी, ये बड़ा लंबा कैंडल बनने के कारण हमारे स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। अब हम दूसरे स्ट्राइक लेंगे जो 79,000 में जो है, इसे हम 10 लॉट में सेल करेंगे और ये करेंगे हम 55 रुपये में सेल, इसे हम 55 रुपये में सेल करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से नीचे जाते ही जा रहा है, जाते जा रहा है। हमारे पोजीशन देख सकते हो अभी 4,200 रुपये की हमारे लॉस चल रहे हैं और जो कॉल जो था हमारे पास वो काफ़ी नीचे आ चुके हैं और उसकी प्रीमियम अभी 15-16 रुपया चल रहा है, आप देख पा रहे हो।
कॉल जो 72,000 जो का कॉल जो है उसकी प्रीमियम आप 6 रुपये पूछ चुके हैं, आप इसे हम बुक कर लेंगे। तो चलिए इसको एग्जिट करते हैं। अब इसे हम 5 रुपये में इसको हम बुक कर लेते हैं, 5 रुपये में बाई करते हैं। चलो देखते हैं 5 रुपये में आप। तो दोस्तों ये हमारे 5 रुपये की में ये बुक हो चुका है। तो फिर कॉल साइड छोड़ के हम आप पुट साइड में फिर से प्रीमियम खरीदेंगे जो एट द मनी से 1 करोड़ ऊपर मतलब आउट ऑफ द मनी में हम करेंगे 7,800 रुपया की पी जो 32,000 में इसे हम करेंगे सेल। तो चलिए इसको सेल मारते हैं। हो चुका है हमारा सेल, कर चुके हैं, अब 32 में सेल हो जाएंगे। सो दोस्तों ये देख सकते हो जो पुट है हमारे वो सेल हो चुका है 32 रुपया में। तो अभी 2:43 हो चुके हैं और हम हमारे PNL में फिर आए तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमारे पोजीशन है, पोजीशन में फिलहाल हमारे 6,000 की प्रॉफिट दिख रहा है और ये जो सेंसेक्स की जो हमारे एक मतलब आप समझ सकते हो कॉल साइड में जो 72,000 में लिए थे इसे हम बुक कर लिए थे। बुक करने के बाद हमने क्या किया, पुट साइड में एक शॉर्ट क्वांटिटी में हमने फिर से ऐड किया था जिसके कारण हमारे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अभी दिखने लगे। तो आप देखो 6,000 के प्रॉफिट है अभी फिलहाल और 3:29 में आएंगे जब मार्केट बंद होगी तब। और 20 में अगर मैं कभी भी लगे जो नहीं मार्केट यहाँ से घूम सकता है तो हम ये वाले जो स्ट्राइक है इसको हम सेल करेंगे क्योंकि ये एट द मनी में है और बाकी ये जो है ये आउट ऑफ द मनी में है फिलहाल। ये तो जीरो होना ही है, कुछ भी हो इसको जीरो होना ही है। और ये अगर जीरो होता है कि नहीं होता है ये हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि एट द मनी में है। अगर मार्केट अगर फिर घूम कर नीचे आ जाए तो ये इसकी प्रीमियम बढ़ सकता है। अगर ऐसे लगे तो हम इसको सेल आउट करेंगे, फिर हम आपको बता भी देंगे। तो चलिए अभी हम 3:30 में मिलते हैं। और अब तो दोस्तों अभी 3:28 है और हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन में। आप देख पा रहे हो हमारे PNL में अभी 8,600 रुपये की प्रॉफिट दिख रहा है और हमारे जितने भी स्ट्राइक है फिलहाल ऑलमोस्ट जीरो की ओर आ गए हैं। मतलब हर स्ट्राइक की अभी 5 पैसा कीमत अब रह चुका है, मतलब इससे ज़्यादा अब गिरेगा नहीं यहाँ से। तो अगर आपको लगता है जो इसमें हमें कोई सुधार करना चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको लगता है जो नहीं ये स्ट्रैटी आपका सही है, हम भी आपसे सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट। आज है लास्ट डे इस हफ्ते की, तो आज भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया, जो हमें उम्मीद थी उसी हिसाब से आज हमने प्रॉफिट किया। तो देख सकते हो 8,600 रुपये की अभी प्रॉफिट हमारे है और मार्केट हो चुके हैं आप बंद। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार।